शहर में मंगलवार को लॉकडाउन का दूसरा दिन था। इस दिन जब हमारी टीम ने शहर का जायजा लिया तो शहर में कहीं भी लॉकडाउन जैसे हालत नहीं दिखाई दिए। आइए देखते हैं हमारी टीम की ये खास रिपोर्ट। नागपुर शहर में कोरोना का संक्रमण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस संक्रमण को देख पहले तो प्रशासन ने रात को 9 बजे के बाद सभी दुकानें बंद रखने के आदेश दिए थे, मगर शहर में कोरोना पेशेंट की संख्या कम होती नहीं दिखाई दे रही थी। इसलिए नागपुर के पालक मंत्री नितिन राउत ने बैठक कर 15 तारीख से 21 तारीख तक शहर में लॉकडाउन की घोषणा कर दी। ये लॉकडाउन शहर के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, साथ ही शहर में मंडरा रहे कोरोना संकट से दूर होने के लिए किया गया है, मगर लोग है कि मानते नहीं। शहर में भले ही दुकानें और प्रतिष्ठान बंद हो, मगर लोगों के रोज काम चल रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद रास्तों पर भीड़ दिखाई दे रही है। प्रशासन ने कहा है कि आवश्यक हो तो घर से बाहर निकले, मगर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। लोग बिना डर के घूम रहे हैं और आश्चर्य की बात यह है कि पुलिस विभाग की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना ही किसी को रोका जा रहा है, ना ही पूछताछ की जा रही है। ऐसा चलता रहा तो 7 दिन का लॉकडाउन और आगे बढ़ाने के लिए समय नहीं लगेगा। अगर शहरवासियों को लॉकडाउन नहीं चाहिए तो प्रशासन के दिए गए सभी नियमों का पालन करना होगा। अब ये आपके हाथों में है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़ नागपुर।